हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल असार सचिन असार में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्टिवा 5G और टीवीएस जुपिटर। हाँ जी, एक्टिवा 5G और टीवीएस जुपिटर दोनों में ही इको मोड क्या काम करते हैं और इसको कैसे ऑन ऑफ किया जाता है, और आपके जो टीवीएस जुपिटर है इसमें और एक्टिवा 5G में दोनों में ही कैसे आपको टाइमिंग सेट करनी है और कैसे क्या करना है, ट्रिप मीटर कैसे चालू करना है, बंद करना है, ये सब भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल आइकन दबाई दिखाई पड़ रहा है उसको भी दबा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और लाइक कमेंट करना ना भूलें। हाँ तो फ्रेंड्स, ऐसा है कुछ इको मीटर इस वजह से दिया जाता है कि जो कि आप 50 के ऊपर चलाते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि 50 से ऊपर है कि कम है। इस वजह से इको मीटर इंडिकेशन देने लगता है और आपका एवरेज अधिक से अधिक मिले इस वजह से इको मीटर दिया जाता है। इको मीटर से होता यह है कि आपका एवरेज जो है बराबर में रहता है और जब आप 50 के ऊपर ले जाते हैं तो इको मीटर काम करने लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखें और आप सीख जाएंगे कि इको मीटर किस काम में आता है। अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है तो जरूर से जरूर यूज़ करके देखें और एक बार जरूर बताएं। अगर आपको माइलेज नापना है या कुछ करना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे माइलेज नापा जाता है। सबसे पहले आपको जो डिजिटल मीटर है उसमें क्या क्या देखने को मिल जाता है ये बताने वाले हैं। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है ये फ्यूल इंडिकेशन देता है कि आपका फ्यूल खत्म होने वाला है। यहाँ पर सर्विस इंडिकेटर देता है, आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये देखिए सर्विस इंडिकेटर देता है कि आपकी गाड़ी सर्विस पर आ चुकी है। और यहाँ पर टाइमिंग दिखाता है कि 9:40 हो रहा है और ये इतने किलोमीटर चल चुकी है। और अभी हम लोग इको मीटर जानने वाले, जैसे ही आप बंद करके ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर किनारे इको मीटर दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर अपर डीपर जो ये जो बटन है इसका लाइटनिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर देखते हैं, जैसे कि ये वापस जा करके वापस आता है तो ये इसको इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर बोलते हैं। तो अभी हम लोग इको मीटर जानने वाले हैं। तो ये है ट्रिप बटन, तो जैसे ही आप इसको एक बार दबाएंगे तो ये ट्रिप पे चालू हो जाती है और एक बार जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल आ जाता है। और अभी अगर इसको दबा करके रखेंगे तो इको मीटर का जो, अगर इसको दो बार प्रेस करके दबा करके रखेंगे तो इको मीटर ऑन का ऑप्शन देने लगता है। अगर जैसे ही इसको एक बार दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और फिर से दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा। और जैसे टाइमिंग सेट करनी है तो इसको दबा करके रखेंगे और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टाइमिंग दिखाने लगा है, जो टाइमिंग इंडिकेटर देने लगा है कि आप यहाँ पर टाइमिंग चेंज करने के लिए आपको इसको कई बार प्रेस करना पड़ेगा और ये चेंज होता रहेगा। और जो बगल वाला है अगर उसको एक बार और प्रेस करेंगे, एक बार और दबाए रखेंगे तो वो दूसरा वाला भी चालू हो जाएगा। और फिर इसको फिर से दबाए रखेंगे थोड़ी देर तो ये भी पूरा नॉर्मल ही हो जाएगा। तो जैसा कि अभी यहाँ टाइमिंग चेंज हो गई है तो अभी हमको 9 करना है फिर से। तो आपको सबसे पहले दबा करके रखना है इको मीटर, अभी आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए ऑन है इको मीटर, मतलब यहाँ पर इंडिकेशन दिखा रहा है कि आपका इको मीटर ऑन है। और यहाँ पर जो 10 हो गया है इसको 9 करना है हमको, तो इसको कई बार हमको प्रेस करना पड़ेगा। ये देख पा रहे होंगे 9 हो गया और ये दूसरा वाला टाइमिंग, और फिर दबा करके रखेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको सर्विस इंडिकेटर हटाना है तो आपको गाड़ी ऑन करके सेल्फ लगा करके इसको कई बार दबाए रखना पड़ेगा और ये सर्विस इंडिकेटर हट जाएगा। तो अभी मैं आपको आगे से भी इसका लुक दिखाने वाला हूँ कि ये गोल्डन कलर में है कैसी लगती है। जैसा कि एक बार ऑन होता है और एक बार सीट की तरफ होता है और एक बार ऑफ होता है, और इसके जो एक बार और घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा पूरा। और सीट की तरफ करके सीट को खोलना हो तो एक बार बटन को पुश करेंगे, चट से आवाज़ आती है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे फुल टैंक है और यहाँ पर कई स्टोरेज दे रखा है थोड़ा सा, और बाकी सब एक्टिवा नॉर्मल एक्टिवा की तरीके है। केवल इसमें Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be.